कितनी बढ़िया है, इसे लेयर भी काफ़ी अच्छा है। और ये डेसिकेटेड कोकोनट की है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये बहुत ड्राई हो चुकी है, ये बिल्कुल ही एकदम सॉफ्ट नरम है और परफेक्ट हलवाई की यहाँ मिलती है ना, परफेक्ट वैसे दिख रही है। जबरदस्त। सावन का महीना स्टार्ट हो चुका है और यहाँ से आगे बहुत सारे हिंदू फेस्टिवल्स सेलिब्रेट होते हैं, जैसे कि अब रिसेंट है राखी पूर्णिमा। हे एवरीवन, मैं हूँ मधुरा एंड वेलकम टू मधुराज रेसिपी। तो फेस्टिवल है और मिठाई न बने ऐसे तो हो ही नहीं सकता, तो आज हम बना रहे हैं 2 लेयर के फटाफट बनने वाली नारियल की बर्फी, जो राखी पूर्णिमा, नारली पूर्णिमा भी जिसे कहते हैं, उस टाइम बनाते ही बनाते हैं। तो बहुत सिंपल प्रोसेस है और बहुत इजीली बन जाती है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है नारियल का बूरा, डेसिकेटेड कोकोनट 3 कप है ये। तो उसमें हम डालेंगे 1 कप दूध। वेरी सिंपल रेसिपी। 1 कप चीनी और आधा कप मिल्क पाउडर। अब गैस स्टार्ट करेंगे। अगर मिल्क पाउडर नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। बस बर्फी का जो टेस्ट है और उसका टेक्सचर है वो थोड़ा रिच करने के लिए मैं यहाँ पर मिल्क पाउडर ले रही हूँ। और इसमें डालेंगे 3 चम्मच देसी घी। परफेक्ट। अब मैं गैस स्टार्ट करती हूँ। आप हम इसे मिलाकर कुक करेंगे मीडियम हीट पर। अभी तो ये काफ़ी थिक लग रहा है, लेकिन हमने डाली है चीनी, तो चीनी जैसे जैसे गर्म होती जाती है उसका मॉइस्चर रिलीज हो जाता है और ये पकने लगता है। आप देख सकते हैं ये ऑलरेडी सॉफ्ट होने लगा है। ऐसे ही मसालेदार और जायकेदार रेसिपीज के लिए मधुराज रेसिपी को YouTube पर जरूर सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन पर भी क्लिक कीजिए। तो अब आप देख सकते हैं चीनी पिघल रही है और ये जो नारियल की बर्फी का मिक्सचर है ये काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसे लगातार चलाते हुए तब तक कुक करेंगे जब तक ये अच्छे से इसका मॉइस्चर है रिलीज़ नहीं हो जाता और ये इसका सॉफ्ट डो नहीं बन जाता तब तक। सो अराउंड इट विल टेक 8 to 10 मिनट्स। ये देखिए काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है ये। अब हम इस अब और एक 4 से 5 मिनट इसे कुक करना पड़ेगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये तकरीबन 8 से 10 मिनट ही मैंने कुक कर लिया है मीडियम हीट पर और ये अच्छे से डो की तरह हो चुका है, एकदम सॉफ्ट। और ये पैन के जो साइड से ये छूट गए, इसमें से घी रिलीज़ हो रहा है, तो दिस इज़ द परफेक्ट टाइम हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। सो पूरा मिश्रण तो अभी नहीं लेंगे क्योंकि हम 2 लेयर में बना रहे हैं, तो नेक्स्ट स्टेप अभी बाकी है। तो आधे से थोड़ा सा ज़्यादा मिश्रण मैं इस प्लेट में डाल रही हूँ और इसे हम शेप कर लेंगे स्क्वायर में। अगर आपके पास ट्रे है तो आप ट्रे भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस प्लेट में मैंने ये बर्फी अच्छे से सेट कर ली है, आप देख सकते हैं इसे शेप काफ़ी अच्छा आया है, ट्रे नहीं है फिर भी इसका शेप बहुत बढ़िया लग रहा है। अब जो बचा हुआ हमारा मिक्सचर है उसे हम टर्न करेंगे रोज़ फ्लेवर की बर्फी में। तो यहाँ पर मेरे पास है 1/4 कप रोज़ सिरप और उसी के साथ इसमें जाएगा 1/4 कप और डेसिकेटेड कोकोनट। अब इसे मिला लेंगे और वापस ये गाढ़ा होने तक इसे हम कुक कर लेंगे। आप देख सकते हैं इसे कलर कितना बढ़िया है शुगर सिरप की वजह से और इसका टेस्ट भी काफ़ी बढ़िया आ जाता है ये रोज़ सिरप से। तो अगर आपके पास रोज़ सिरप नहीं है या फिर अगर आपको रोज़ सिरप नहीं यूज़ करना तो आप एक तो कलर फूड कलर यूज़ कर सकते हैं और अगर रोज़ इसेंस होगा तो वो रोज़ इसेंस के ड्रॉप्स इसमें डाल सकते हैं। द अदर ऑप्शन इज कोई भी सिरप आपके पास हो, स्ट्रॉबेरी हो,
खस का सिरप आता है वो होगा, तो वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। पान सिरप आता है वो, इवन चॉकलेट, चॉकलेट भी आप इसमें डाल सकते हैं। अब मैं और 3 से 4 मिनट बस इसे चला लूँगी, पका लूँगी। तो ये मिक्सचर भी हमारा बनकर तैयार है, बस 4 से 5 मिनट ही लगे। अब मैं गैस बंद कर देती हूँ और ये भी हम इस लेयर के ऊपर डालकर स्प्रेड कर लेंगे। ये लेयर भी मैंने अच्छे से स्प्रेड कर लिया है, बहुत बढ़िया दिख रहा है विदाउट ट्रे। हमने इसमें ट्रे भी नहीं यूज़ किया, बस प्लेट पर ही स्प्रेड करके सेट करने के लिए छोड़ दिया है। अब कम से कम इसे 1 घंटा हम रूम टेम्परेचर में रखेंगे, उसके बाद इसे पीसेस में कट करेंगे। तो ये बर्फ़ी मैंने 1 घंटा सेट करने के लिए रूम टेम्परेचर पर ही रख दी थी। अब हम इसके पीसेस कट कर लेते हैं। तो मैं बीचों बीच पहले कट करवा लेती हूँ ताकि जो हमारे पीसेस है वो यूनिफॉर्म आ जाए, एक शेप के आ जाए। लाजवाब, आप देख सकते हैं इस बर्फी का टेक्सचर कितनी बढ़िया है। इसे लेयर भी काफ़ी अच्छा है और ये डेसिकेटेड कोकोनट की है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये बहुत ड्राई हो चुकी है। ये बिल्कुल ही एकदम सॉफ्ट नरम है और परफेक्ट हलवाई की यहाँ मिलती है ना, परफेक्ट वैसे दिख रही है, ज़बरदस्त। अगर आपको चाहिए तो आप इसके ऊपर चांदी का वर्क लगा सकते हैं, मैं तो बस पिस्ता डाली हूँ ताकि ये कॉन्ट्रास्ट कलर अच्छा दिखता है, लेकिन आप वर्क है तो ज़रूर डाल सकते हैं। तो अगर रेसिपी अच्छी लगी तो YouTube पर मधुराज रेसिपी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे कुछ ऐसे ही क्विक और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। मधुराज रेसिपी।